भाई भैया को क्या बोलना चाहोगे लाइव देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहना चाहूंगा जो हमको यहाँ एडमिशन दिलाए। अभी अगर तुमको मैं मार्केट में छोड़ूं और ये डेट सेट दूं तो बना पाओगे कि नहीं? जी सर, बहुत आसानी से सर। पक्का? जी सर। कैसा लगा आपका कैश एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा लगा सर। कि ऐसा टेलीकॉम भेजना है वो क्यों नहीं दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट या हैदराबाद या बेंगलोर में भेजा उन्होंने, क्यों ऐसे जबलपुर में क्यों भेजा? नहीं सर, पहले मैंने दिल्ली में एडमिशन कराया था। को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो पढ़ना चाहे तो पहले मेरे पास आए। सर इतना नॉलेज दिया है सर एशिया टेलीकॉम ने सर। सर फर्स्ट डे से हम सीपीयू रिबॉलिंग और ईएमएमसी की क्लास से हमने ज्वाइन की। तुमने लाइव पावर भी निकाला रही? जी सर। तुम्हारा वीडियो भी है? तुमने लाइव सीपीयू भी निकाला? जी सर। तो तुम्हें सोचा था कि मेरे से तीन दिन में ये लाइव ये सब करवा देंगे? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। ऐसा सोच के नहीं आया? नहीं सर, वो भी सरप्राइजली और यहाँ के टीम ने इतना अच्छा सिखाया कि हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया वो सब। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। मेरे को बताओ आप सबने आईफोन सीपीयू रिबॉल किए यहाँ पर 12 डे कर यूनिवर्सल स्टेंसिल किस किस ने रिपेयर किए बताओ, मतलब रिबॉल? लेकिन भैया को वो वहाँ अच्छा नहीं लगा, बोल पहले सब जगह सर्च किए तो यहाँ पता चला कि बेस्ट इंडिया का मतलब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। भैया को लगा? हाँ। डेट आता था तो क्या करते थे? डेट आता तो पहले देखने का, थोड़ी हीट मारने का, फिर भेज देने। हीट मारते थे? ये हीट मारने वाले थे। बताओ लाइव क्या काम किया, 4G IC पावर सीपीयू सब किए कि नहीं? सब सब सब, चार्जिंग सेक्शन पूरा पूरा, माइक बेक सब। क्या बोलना चाहोगे गुजरात के लोगों को, कोई नया को? किसी को भी आना है तो आ सकता है, एशिया टेलीकॉम बेस्ट है। यहाँ पर सीखने की क्या हद है बताओ? पूरा एंड तक, एंड तक है, एंड तक सिखाया जाता है। अगर कोई ऑनलाइन जाना चाहेगा तो? ऑनलाइन तो नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि वो सिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिस क्या करो? अभी अपने पास एक कोई मोबाइल आ गया, आपने खोल दिया, खराब हुआ तो क्या करोगे? सही बात है। तो बैकअप सपोर्ट भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है बैकअप है ना ऑनलाइन में? जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत बढ़िया, जो टेक्निक होती वो बढ़िया होती। सामने एक टीचर खड़ा रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा, तो मालूम पड़ेगा। वीडियो तो YouTube में देख कर देख लो। हाँ वो तो वही बात होगी। क्या नाम है? जी मैं शुभम, बिहार से। शुभम, शुभम किसी को पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। 50 सेट पर डायग्नोस किए हैं। तो कभी कोई ऐसी कमी तो नहीं नजर लगी कि डैड में नीच बताई ऐसी कोई भी चीज? नहीं ऐसे कुछ कमी पक्का। ठीक है, तो ये बताओ कि लाइव क्या किया यहाँ पर, लाइव आईसी का क्या काम किया? लाइव पावर आईसी निकाल कर लगाया चालू फोन से, फिर सीपीयू निकाले। और ये सोच पावर आईसी लगाया, 4G लगाया, सीपीयू भी लगाया सर। वन टाइम में लगाया? वन टाइम में लगाया सर। लाइट किया? एक सीपीयू को कितनी बार लगाया? 6 बार। ऑन भी किया? 6 बार लगाया। छह बार लगा के ऑन किया सर। तो सीधा दूसरे टेक्नीशियन के पास लेके जाते थे, बनाते नहीं थे, बनाते नहीं थे। क्या क्लास थी आज? डेड की क्लास थी सर। कितने सेट आपने डायग्नोस किए? 50 पीस किए सर, क्योंकि एक सेट डायग्नोस करते, चार करते, पांच करते, ठीक है। और यही 50 अभी आगे जाके बनाने भी है, सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, एमएमसी भी बनाएंगे। जी हां। अब बताओ डेट आया तो डायग्नोस करेंगे कि नहीं? हाँ, करेंगे सर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये बता देंगे कि पावर का फॉल्ट है कि डीसी का फॉल्ट है कि सीपीयू निकाले कि एमएमसी निकाले? जी हां सर, बिल्कुल बता देंगे। तो आज हमने कितने सेट डायग्नोस किए? कम से कम 50 के ऊपर। उसमें प्रमोद तुम्हारे भी थे? हां, मेरे पांच छह फोन थे। वो सारे डायग्नोस में समझ में आए कि? हां सर, मैंने क्या फॉल्ट है बोलो? मैंने वो दूसरे टेक्निशियन के पास दिया था, हमारे बगल वाला है, तो उन्होंने हिट मार के डेढ़ करके दिया। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? प्रमोद महाराष्ट्र से। वेरी गुड प्रमोद, मुझे ये बताओ कि आज हमारा क्या सेक्शन था? आज हमारा डेड डायग्नोस था। आज हमने कितने सेट डायग्नोस किए? कम से कम 50 के ऊपर। उसमें प्रमोद तुम्हारे भी थे? हाँ, मेरे पांच छह फोन थे। वो सारे डायग्नोस में समझ में आए कि? हाँ सर, मैंने क्या फॉल्ट है बोलो? मैंने वो दूसरे टेक्निशियन के पास दिया था, हमारे बगल वाला है, तो उन्होंने हिट मार के डेढ़ करके दिया है। तो इधर आके हम तो प्रमोद अपन बनाएंगे आगे जाके? यस सर, बनाएंगे। अभी अपन देना चालू करेंगे कि लेना चालू करेंगे? लेना चालू करेंगे। सेट मैं बता दूं, देख लो प्रमोद को, अगर इसके आसपास रहते हो या इसको जानते हो तो इसको सेट दो, कोई सा भी सेट ये डायग्नोस करके देगा। और इसको सपोर्ट करेंगे, मैं इसको सपोर्ट करेंगे, मेरी पूरी टीम एशिया टेलीकॉम सपोर्ट करेगी इसको। प्रमोद बताओ यहाँ अब तक का क्या सफर है और पहले प्रमोद आपके में कितना अंतर? नहीं सर, मैं कम से कम 4 साल से काम कर रहा था, अभी 4 साल से मालूम नहीं था कि एक आईसी का
कब काम करने का, कब किधर हिट मारने की, क्या हम क्या करते थे पहले इधर से जंपर उधर उठाने का। अभी इधर आके पता चला कि जंपर विंपर का काम कुछ नहीं होता, जिधर जंपर मारना पड़ता है उधर ही मारने का, बिल्कुल दूसरी जगह पे मारेंगे तो मोबाइल डायरेक्ट डेड हो जाएगा। दूसरे दिन आईफोन का सीपीयू रिबॉल करा था क्या? यस सर। यहाँ क्या पढ़ने, एंड्रॉइड पढ़ने है कि आईफोन पढ़ने आया? सर इधर तो एंड्रॉइड पढ़ने आया, लेकिन एडवांस लेवल का जो गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, मुझे बताओ लाइफ में क्या, लाइफ क्या किए? पावर आईसी निकाल के लगाया लाइफ? हाँ। और क्या किया उसके बाद? पावर आईसी दो तीन बार लगाया, फिर दूसरे दिन सीपीयू लाइव किया तीन चार बार। और यहाँ पे हर आईसी का डाटा शीट बनाया, ये बताइए कि आईसी का डाटा शीट बनाया और ये सब कुछ डायग्राम जो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से? हाँ सर सब समझ में आ रहा है। एक शब्द बोलो कि कोई नया आना चाहे तो? नया आना चाहिए तो आना चाहिए, नहीं क्या देसी का टेलीकॉम बेस्ट इज बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? तुम बदलते रहो, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? किशोर, महाराष्ट्र से। किशोर, महाराष्ट्र। किशोर क्या सोच कर आए थे और क्या अब सोच रहे हो? पहले और आपके भी कितना सोच में अंतर बताओ। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। पहले तो कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो भाग के जाते थे दूसरे टेक्नीशियन के पास। कभी भी बोर्ड देखते थे समझ में आता था कोई आईसी वगैरह? आईसी तो कुछ समझ में नहीं आता था सर। डेट कैसे बनाते थे? डेट सेट तो सीधा दूसरे टेक्नीशियन के पास लेके जाते थे। बनाते नहीं थे? बनाते नहीं थे। क्या क्लास थी? आज डेट की क्लास थी सर। कितने सेट आपने डायग्नोस किए? 50 पीस के है सर। क्योंकि एक सेट डायग्नोस करते, चार्ट करते, पांच करते, ठीक है, और यही 50 अभी आगे जाके बनाने भी है। सॉफ्टवेयर हाँ। भी बनाएंगे, एमएमसी भी बनाएंगे। जी हाँ। अब बताओ डेट आया तो डायग्नोस करेंगे कि नहीं? हाँ, करेंगे सर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये बता देंगे कि पावर का फॉल्ट है कि डीसी का फॉल्ट है कि सीपीयू निकाले कि एमएमसी निकाले? जी हाँ सर, बिल्कुल बता देंगे। तो मुझे बताओ कि क्या अंतर आया और ये बताइए कि नया क्यों आए, कोई यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा एक लाइन में और नया क्यों आए बताओ। एक्सपीरियंस टेक्नीशियन, अगर कोई टेक्नीशियन भी बाहर हो तो वो भी यहाँ सीखने के लिए आ सकता है। हमें तो ये भी नहीं पता था, हम तो सिर्फ खाली फोल्डर और सीसी माइक रिंगर इतना ही काम करते थे। लाइव 4G आईसी लगाई? हाँ लगाया सर, पावर आईसी लगाया, 4G लगाया, सीपीयू भी लगाया सर। वन टाइम में लगाया सर। किया क्या डेट किया? चार सीपीयू, एक सीपीयू को कितनी बार लगाया? 6 बार। ऑन भी किया, 6 बार लगाया सर, निकाला 6 बार, 6 बार लगा के ऑन किया सर। अरे इंग्लिश जोरदार ताली बजाइए एक बार। आपने 4G सीपीयू पे काम किया था क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ रिंगर चार्जर बनाते थे है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठिए। अब मैं बहुत कुछ पूछूंगा, लास्ट डे में सब एक पूरी जर्नी के साथ। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? जी मैं शुभम, बिहार से। शुभम, शुभम बताओ क्या करते थे पहले और अब क्या कर रहे? अब क्या करने वाले यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद कोई भी सेट वापस यहाँ से न जाएंगे। डेट डायग्नोस हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो, हम ऐसे ही देख के बोर्ड का नजरिया ही चेंज हो गया देखने का। ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आज क्या क्लास थी? आज डेट डायग्नोस्टिक कैसी लगी? आज आपको कैसी लगी? मैं किसी को नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। 50 सेट पर डायग्नोस किए हैं। तो कभी कोई ऐसी कमी तो नहीं नजर लगी कि डेट में नहीं बताई ऐसी कोई भी चीज? नहीं, ऐसे कुछ कमी है पक्का। ठीक है, तो ये बताओ कि लाइव क्या किया पर? लाइव आईसी का क्या काम किया? लाइव से पावर आईसी निकाल कर लगाया चालू फोन से, फिर सीपीयू निकाले। ये सोच कर था कि कर दूंगा मैं, ये किया था आपने? नहीं करते थे आईसी का? पहले नहीं किया। बताओ, मैं आपसे बहुत सारी बात पूछूंगा शुभम। ये डेट साइड में आपके भी सेट है ना इसमें? जी मेरे भी थे। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर आगे क्या आपके प्लान है? अब यहाँ से जाने के बाद में क्या करने वाले? से जाने के बाद एक भी सेट घूम के नहीं जाएंगे। पक्का? पक्का। और बाकी से सेट लेना चालू करने वाले हैं? सबसे लेंगे। क्या बोलेंगे जो नया आए? आराम से आ सकते हैं, एशिया टेलकॉम इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मानते हैं ये बात? यस। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट और है यहाँ पर, आ जाओ इधर। आपका नाम बताइए प्लीज। मैं राकेश गुजरात से हूँ। राकेश गुजरात। राकेश क्या करते थे आप? मैं करता था 4 साल से काम। हाँ, किस लेवल पे करते थे? थोड़ा बोरा आईसी वाईसी निकालते थे, लगाते थे फोल्डर, टच वच निकालते, मतलब बोर्ड पे चिप लेवल पे काम नहीं करते? चिप लेवल पे काम नहीं करता। क्यों सोचा चिप लेवल पे काम करें, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? ऑनलाइन क्यों नहीं? नहीं ऑनलाइन नहीं, मैं एक बार ट्राई किया था, लेकिन ऑनलाइन तो क्या सीखने को मिलता है, फिर प्रैक्टिस नहीं मिलती सर। पक्का? मैंने किया, ये जानते हो? मैंने किया। क्या बोलना चाहोगे अगर कोई ऑनलाइन जाना चाहेगा तो? ऑनलाइन तो नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि वो सिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्या? अगर अभी अपने पास एक कोई मोबाइल आ गया, आपने खोल दिया, खराब हुआ तो क्या करोगे? सही बात है। तो बैकअप सपोर्ट अच्छा भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है बैकअप है ना ऑनलाइन में? जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत बढ़िया, जो टेक्निक होती वो बढ़िया होती। सामने टीचर खड़ा रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा, तो मालूम पड़ेगा। तो यूट्यूब में देख कर देख लो। हाँ वो तो वही बात होगी। चलो यूट्यूब में देख के सीखा जा सकता है क्या? नहीं यूट्यूब में से नहीं सीखा जाता। अच्छा यहाँ पे लाइव क्या किया? यहाँ पर लाइव मैंने पावर आईसी लगाया और कल मैंने डब्ल्यू टी आर लगाया, काम किया।
बोला कि कोई सा भी आईसी हो, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, चार्जिंग हो, सबका डाटा शीट बनाया आपने? हाँ, बनाया आईसी का, जी हाँ, डायग्राम के मतलब एंडलेस, क्या समझ में आप क्या बोलना चाहोगे गुजरात के लोगों को, कोई नया किसी को भी आना है तो आ सकता है, एशिया टेलीकॉम बेस्ट है। यहाँ पर सीखने की क्या हद है बताओ? पूरा एंड तक, एंड तक है, एंड तक सिखाया जाता है। यहाँ पर कोई भी टीचर कभी किसी को थकते हुए देखा यार, ऐसा कभी भागते हुए देखा यार? नहीं, हम थक जाते हैं, टीचर नहीं थकते। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाओ बैठे रहो तुम लोग। तो क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, क्या करते थे? रिपेयरिंग। किस लेवल पे? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे क्या? चार्जिंग सॉकेट। मतलब बोर्ड पे नहीं करते थे रिपेयरिंग? बोर्ड पे नहीं, कौन सा बोर्ड? मतलब आईसी वाईसी का काम नहीं करते? नहीं, थे नहीं, कभी कभी घबरा जाते थे? सच बताओ? सच बताओ? डेट आता था तो क्या करते थे? डेट आता तो पहले देखने का, थोड़ी हीट मारने का, फिर भेजते थे। हीट मारते थे? ये हीट मारने वाले थे? अरे मत मारो यार, अब तो नहीं मारोगे? नहीं नहीं, अब नहीं। पक्का? पक्का पक्का। नहीं, आज डेट सेक्शन कैसा लगा सच बताओ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज मिला इसमें। आज ये बताओ कि अगर यही चीज एक साल पहले करते तो आज शिवानंद कहाँ होता बताओ? बहुत बहुत बड़ा टेक्नीशियन होता, बंदा होता कि नहीं होता? जी सर। बहुत सारे सेट आपने आपके हाथों से बनाए होंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सर, आपको एक रिमाइंड होता होगा कि यार वो सेट मैं ऐसे बना सकता था, बना सकता, ऐसा सोचते थे ना? जी जी जी, टेबल पे वो सेट आया, ये सेट मैंने भेज दिया, सीधा सीधा चला गया, हम बना सकते थे। बहुत 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 बार विचार वो ऐसा आता था, मन में आता था, सेट छूट गए नॉलेज नहीं होने के कारण। नॉलेज नहीं होने के, तो क्या बोलना चाहोगे इंडिया के लोगों के, नॉलेज लेना यूट्यूब से सही रहेगा, ऑनलाइन या एक इंस्टीट्यूट में आकर? यूट्यूब से बोले तो कुछ भी नहीं, खाली दिखाते ऐसा जंपर मारो, ऐसा करो, थोड़ा हीट मारो, नेसा कुछ तो उठा के बिठाओ, ये इतना बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये नॉलेज इधर मिलता कहाँ? ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता, ऑनलाइन खाली फेक वीडियो रहते हैं कुछ। वेरी गुड। ये 5,000 रुपये में भी पढ़ेंगे क्या? मतलब वो भी बात है ना, एक सामने वाला 5,000 में तुमको 1,000 रुपये में मिमसी पढ़ा रहे हैं आजकल, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। सो ये तो मतलब 1,000 वाला नॉलेज होगा, वही नॉलेज जो यूट्यूब में डला होगा, जो जिसको अपने नॉलेज की भी अपनी कदर नहीं है तो वो नॉलेज बाहर क्या देगा, सीधी सी बात है। जिसको खुद का नॉलेज फ्री का लगेगा तो मतलब वो नॉलेज है ही नहीं। तो मुझे बताओ लाइव क्या काम किया? 4G IC पावर CPU सब किए कि नहीं? सब सब सब, चार्जिंग सेक्शन पूरा पूरा, माइक बीक सब सब। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठिए, आइए वहीं पे खड़े हो, वहीं पे खड़े हो जाओ, ये इसलिए लिया सर। बताओ, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आपका नाम क्या है? सर धीरज कुमार बैस, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। मध्य प्रदेश से? कहाँ से? सिंगरौली से। बहुत अच्छी जगह है, मुझे बताओ क्यों आए यहाँ पर? सर मैं तो, मुझे कुछ पता नहीं था सर, भैया ने यहाँ मेरा एडमिशन कराया। तुम रिपेयरिंग सीखना चाहते थे कि भैया सिखवाना चाहते थे? नहीं नहीं, मैं सीखना चाहता था लेकिन मुझे लगा, ऐसे दुकान में मैं कभी एक दो बार गया था तो मुझे लगा बहुत हार्ड है, तो भैया ने जब बोला कि 1 महीने का है तो मुझे लगा 1 महीने में क्या होगा। हाँ सही बात है। तो भैया ने बोला कि जाओ पहले सीखो। भैया को क्यों लगा कि ऐसा टेलीकॉम भेजना है, वो क्यों नहीं दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट या हैदराबाद या बेंगलोर में भेजा उन्होंने, क्यों ऐसे जबलपुर में क्यों भेजा? नहीं सर, पहले मैंने दिल्ली में एडमिशन कराया था। अच्छा। लेकिन भैया को वो वहाँ अच्छा नहीं लगा, बोल पहले सब जगह सर्च किए तो यहाँ पता चला कि बेस्ट इंडिया का मतलब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, भैया को लगा। हाँ, फिर भैया ने भेजा तो मुझे लगा 1 महीने में क्या होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि 1 महीने में सब बहुत कुछ हो सकता है। आज और पहले और आपके में कितना, अभी फिलहाल अभी के, देखो मैं तो ये नहीं बोलता सॉफ्टवेयर भी नहीं हुआ, एमएमसी नहीं हुआ, हार्ड ब्लैक पेस्टेड, और ये कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, ये भी होगा जिस इतने लेवल तक आए हो। आज मुझे बताओ अभी अगर तुमको मैं मार्केट में छोड़ूं और ये डेट सेट दूं तो बना पाओगे कि नहीं? जी सर, बहुत आसानी से सर। पक्का? जी सर। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा लगा सर। ये बात करते हैं। हाँ सर, बात करते हैं भैया को। भैया को क्या बोलना चाहोगे लाइव देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहना चाहूंगा जो हमको यहाँ एडमिशन दिलाया। आपको मैं भैया को कहना चाहूंगा कि भैया मेरे, इसके साथ हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, सपोर्ट सिस्टम साल में 2 बार आएगा और हमेशा हर बार ग्रुप से जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकता है डे में, जिसमें दीपक सर मिल जाएंगे, दुर्गेश सर और आपके मिल जाएंगे, मिलन सर मुझसे बात कर सकता है कभी भी मैसेंजर के साथ, तो मतलब आपके साथ एक एक्सपर्ट टीम है। वो होता ना कि घर में बाबा आपका साया और एक दुकान में चाहिए गुरु का साया, तब जाके आदमी बन पाता। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठिए, आइए। क्या नाम है आपका? रईस, गुजरात से। रईस गुजरात से, बहुत अच्छा नाम है रईस। पूरा नाम क्या है? रईस अहमद। बहुत अच्छा रईस। रईस मुझे बताओ कि क्या करते थे आप? सर मेरा 2 साल से शॉप है। हाँ। वही छोटा मोटा काम, सॉकेट और फोल्डर वाला। नहीं सर, यहाँ पे लाइव क्या आईसी क्या लगाई? क्या क्या सर? फर्स्ट डे से ही हम सीपीयू रिबोलिंग और ईएमएमसी की क्लास हम ज्वाइन किए। तुमने लाइव पावर भी निकाला रही? जी सर। तुम्हारा वीडियो भी है? तुमने लाइव सीपीयू भी निकाला? जी सर। तो तुम्हें सोचा था कि मेरे से 3 दिन में ये लाइव ये सब करवा दे? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, ऐसा सोच के नहीं आते। नहीं सर, लाइव मैं 2 दिन में सीपीयू रिबोल कर लूंगा। इंडिया के बड़े बड़े मास्टर आईफोन 8 सीपीयू रिबोल नहीं कर पाते, वो अपने
स्टूडेंट को ये बोलते रहते हैं कि 10 दिन 15 दिन हाथ साफ करने में टाइम लगता है। आपको बोला भी नहीं था कि हम आईफोन करवाएंगे और आपको हाथ में दे दिया और दो बिटवीन 2 आवर में आपने आईफोन सीपीयू रिबोल किया। सर, वो लगा सर वो भी सरप्राइजली और यहाँ के टीम ने इतना अच्छा सिखाया कि हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया वो सब। क्या बात कर रहे हैं, मेरे को बताओ आप सबने आईफोन सीपीयू रिबोल किए यहाँ पर 12 एकर यूनिवर्सल स्टेंसिल किस किस ने रिपेयर किए बताओ, मतलब रिबोल सबने? ठीक है, तो रईस मुझे बताइए थ्रू आउट अब से अब तक कई सफर बताओ कैसा है? सर वो सम सर, यस सर। अगर डेट सेक्शन कैसा लगा सर? आज तो ऐसा लगा कि आज तक जो वापस दे दिए थे वो होते तो आज कितना पैसा होता हमारे पास। नाम बदलू? नहीं सर। कल बोला था? नहीं सर। बताओ नहीं 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 बदलिए सर। आज आपको बोला था ना डेट सेक्शन बहुत क्लियर कट बहुत अच्छा फोन बताया। कल सर के स्टेटमेंट क्या थे? सर बोले थे अगर डेट सेक्शन किसी के समझ में नहीं आए और आसान ना लगे तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ऐसा कोई टीचर चैलेंज कर सकता है क्या? कौन कर सकता है जिसमें सवाल बताओ, कहीं गुजरात से आना चाहे तो क्या बोलो? सर गुजरात से तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर गुजरात के 10-10 साल से बैठे हुए टेक्नीशियनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो पढ़ना चाहे तो पहले मेरे पास आए। सर इतना नॉलेज दिया है सर एशिया टेलीकॉम ने सर। और फिर कोई यहाँ आना चाहे? हाँ सर आपके पास भी आ सकते हैं, बैठ जाओ बैठो। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ओ
थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?